आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की है, जो युवाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में इसको लेकर युवाओं द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ट्रेन रुकी जा रही है तो कहीं रोड जाम किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में एक और खबर निकल कर सामने आई है, जहां गोपालगंज रेलवे स्टेशन को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देखिए और समझिए बेरोजगारी की मार झेलते छात्रों का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि कई और शहरों में बवाल शुरू हो गया है। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती के लिए युवा सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही गुस्साए युवाओं ने रेलवे लाइन में जगह जगह आगजनी की है। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक करुणा देवी की गाड़ी पर पथराव भी किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर आम जनता की भी काफी प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देश आज एक निकम्मी सरकार के वजह से इस हालत में पहुंच गया है कि छात्रों को अपने हाथ में कानून लेने पर मजबूर कर रहा है। अब इनके घर पर भी बुलडोजर भेज दीजिए, न्याय हो जाएगा। वही एक और दूसरे यूजर ने लिखा कि सारा देश अपनी मूर्खता से अराजक बना दिया है। बहुत गुमान था बुलडोजर न्याय में, डर से एक अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता है। सब जगह आगजनी हो रही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान करा जा रहा है। एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि आज तो जुम्मा का दिन नहीं है, फिर ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? मीडिया वालों कहाँ हो, ये उपद्रवी के घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये लोग आए UAPA लगेगा या नहीं। एक और ट्विटर यूजर का कहना है कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं, और प्राइवेटाइजेशन यही तो खेल है सरकार का। सरकार सब नियम अपने फायदे के लिए बना रही, नौजवानों को 4 साल बाद कुछ हाथ नहीं आएगा, अगर ये सफल हुए तो आगे सब भर्ती संविदा पर ही करेंगे। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि सेना के अभ्यर्थी अग्निपथ योजना का विरोध पत्थरबाजी लाठी डंडो एवं ट्रेन की बोगी फूंक कर कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इन्हें पत्थरबाज नहीं कहेगा, पुलिस इन पर लाठी गोली नहीं बरसाएगी, जिला प्रशासन बुलडोजर नहीं चलाएगा, सरकार इनके पोस्टर जारी नहीं करेगी और देखने वाले इन्हें मासूम युवा कहेंगे। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।